यूपी में प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा का आज तीसरा दिन, आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा। वाराणसी जाने से पहले प्रियंका का मोदी पर हमला, कहा हम डरने वाले नहीं लड़ने वाले। उनके खिलाफ बोलते हैं वो डरते हैं, बिल्कुल डरते नहीं है, कुछ भी करें, हमें जितना प्रताड़ित करें हम डरते नहीं है, हम उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, जितना हमें करेंगे उतनी जोर से हम लड़ेंगे। रामनगर से बोट यात्रा करते हुए अस्सी घाट पहुंचेंगी प्रियंका, यहां बुनकरों, जैन समाज और महिलाओं के साथ चर्चा। काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगी प्रियंका। पुलवामा हमले में तीन शहीदों, अवधेश यादव, विशाल पांडे और रमेश यादव के परिवार से मिलेंगी प्रियंका। पीएम मोदी ने वंशवाद पर लिखा ब्लॉग, लिखा वंशवाद की राजनीति से सबसे ज्यादा नुकसान संस्थाओं को हुआ। पीएम ने ब्लॉग में लिखा वंशवाद ने प्रेस से लेकर पार्लियामेंट तक, सोल्जर से लेकर अभिव्यक्ति की आजादी तक और संविधान से लेकर कोर्ट तक को नहीं छोड़ा। वंशवाद पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर पलटवार, तारिक अनवर का विवादित ट्वीट, मोदी के वंश पर खड़े किए सवाल। अखिलेश का बीजेपी पर तंज, किया ट्वीट, विकास पूछ रहा है सत्ताधारी दल अपने अधिकांश सांसदों को फिर से टिकट क्यों नहीं दे रहा। बीजेपी सांसदों का टिकट कटने पर अखिलेश ने किया सवाल, उन्होंने मान ही लिया कि वो फेल हो चुके हैं, ये फॉर्मूला टीम पर ही नहीं कप्तान पर भी लागू होना चाहिए। आज फिर होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, आज बीजेपी जारी कर सकती है पहली लिस्ट। कल भी नहीं जारी की गई थी बीजेपी की तरफ से लिस्ट, चुनाव समिति में कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान के उम्मीदवारों पर की गई चर्चा। बीजेपी में राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए आधे उम्मीदवारों के नाम तय, मगर आधे पर ठनी है रात। व्यवस्था विरोधी लहर से लड़ने के लिए बीजेपी का छत्तीसगढ़ में बड़ा दांव, सूत्रों के मुताबिक सभी 10 मौजूदा सांसदों का कटेगा टिकट। सूत्रों की खबर, मौजूदा सांसद के किसी रिश्तेदार को नहीं मिलेगा टिकट, विधानसभा चुनाव हारे नेता को भी नहीं मिलेगा टिकट। कर्नाटक में सभी 16 सिटिंग सांसदों को बीजेपी के टिकट की खबरें, सूत्रों के मुताबिक दिवंगत नेता आनंद कुमार की पत्नी तेजस्विनी को बीजेपी बैंगलोर साउथ से बना सकती है उम्मीदवार। 24 और 26 मार्च को बीजेपी देश भर में करीब छोटी बड़ी 300 से ज्यादा रैलियां करेगी। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी का बड़ा झटका, गृहमंत्री कुमार वाई और महासचिव जारपुम गैम्बलन समेत 8 विधायक एनपीपी में शामिल। महाराष्ट्र में एनसीपी को बड़ा झटका, पूर्व सांसद रणजीत सिंह मोहिते पाटिल ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बोले केजरीवाल, कोई बातचीत नहीं हुई। मैं भी चौकीदार मुहिम के बाद बीजेपी का एक और बड़ा प्लान, आज चौकीदारों से बात करेंगे पीएम मोदी। आज ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम कहेंगे अपने बात, 25 लाख चौकीदारों को करेंगे संबोधित। अभियान से जुड़ने वाले लोगों से भी बात करेंगे पीएम मोदी, 31 मार्च को 500 जगहों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। चुनाव को लेकर बीजेपी की मैराथन चुनाव सभाएं, 24 और 25 मार्च को धुआंधार रैलियां। सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में जनसभाएं करने का आदेश, सरकार की कामयाबियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश। आज से त्रिपुरा और मणिपुर में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं राहुल गांधी, दोनों राज्यों में रैलियां। एक दिन पहले ईटानगर की रैली से राहुल ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा पूरे देश को क्यों बना दिया चौकीदार। कल मैंने देखा चौकीदार कहते हैं कि हम सब चौकीदार। अच्छा भैया, चोरी तो आपने की, आप सबको चौकीदार क्यों बना रहे हो। राहुल गांधी के हमले पर बीजेपी का पलटवार, कहा जो बेल पर हैं उन्हें परेशानी है। राहुल ने रफाल का जिक्र करते हुए पीएम को घेरा, कहा सोचते हैं एक ही व्यक्ति चला रहा है हिंदुस्तान। बिहार में अब तक फंसा है महागठबंधन पर पेच, आरजेडी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। आरजेडी की नाराजगी को कांग्रेस ने किया खारिज, कहा जल्द होगा सीटों का बंटवारा। यूपी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने जारी की 31 प्रत्याशियों की लिस्ट, फिरोजाबाद से भतीजे अक्षय के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। आरएलडी ने जारी की 3 उम्मीदवारों की लिस्ट, मुजफ्फरनगर से चौधरी अजीत सिंह और बागपत से जयंत चौधरी लड़ेंगे चुनाव। तेलंगाना की पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता डीके अरुणा बीजेपी में शामिल, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद। गोवा में आज प्रमोद सावंत की सरकार का शक्ति परीक्षण, राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर खुद दिया था इसका प्रस्ताव। राज्यपाल ने बुलाया है विधानसभा का विशेष सत्र, प्रमोद सावंत ने कहा जल्द होगा मंत्रालयों का बंटवारा। एमआईएम नेता ओवैसी की संपत्ति, बीजेपी सरकार में हुई 3 गुना से ज्यादा, कांग्रेस ने की जांच की मांग।
फिल्म राम की जन्मभूमि पर एमपी की ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का फतवा, अभिनेत्री नाजनीन पाटनी को इस्लाम से किया खारिज। दूसरा फतवा मुस्लिम समुदाय को कि वो इस फिल्म को ना देखें, प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक उमेश मलिक का बयान, महागठबंधन पाकिस्तान जाकर लड़े चुनाव। यूपी के बागपत में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने रैली में कहा, बागियों का है बागपत। यूपी में 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है शिवसेना, सीधा मुकाबला बीजेपी से क्योंकि राम मंदिर पर जनता से किया धोखा। शिवसेना के यूपी अध्यक्ष ने कहा, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बीजेपी शिवसेना गठबंधन, लखनऊ और कन्नौज में भी उतारेगी उम्मीदवार। निजामाबाद में सीएम केसीआर का रैली में बयान, हिंदू कहने वालों को हिंदुत्व राजनीतिक है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पटियाला में पुलिस की सख्त चेकिंग, 1 करोड़ पुराने नोट और 54,000 नए नोट मिले। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पुलिस को एक गाड़ी में मिला 12 किलो सोना और 4 करोड़ का हीरा, इनकम टैक्स की जांच जारी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में ही गाड़ियों की सख्त चेकिंग, 18 लाख नकद बरामद। फरुखाबाद में रेल टिकट पर सरकारी योजनाओं के विज्ञापन और पीएम की फोटो पर विवाद, जिला प्रशासन ने मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखा पत्र। झारखंड के दुमका में चुनाव से पहले एसएसबी की बड़ी कामयाबी, बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त। बर्दवान में दीवारों तक पर चढ़ा सियासी रंग, टीएमसी कार्टून बनाकर कर रही बीजेपी पर हमला। बर्दवान में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़, टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज। यूपी के कौशाम्बी में मोहनदीनपुर बहुगरी गांव के लोगों को 20 साल सड़क की मरम्मत का इंतजार, इस साल सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में होली का सियासी रंग, शौर रंगोत्सव नाम से गुलाल का पैकेट। महाराष्ट्र के कोला में दिव्यांगों को मतदान के लिए ऑटो चालकों की मुफ्त सेवा, मतदान केंद्र पर बनेंगे रैंप। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद शशिकांत तिवारी के परिवार में मातम, उन्नाव में घर पर नहीं पहुंचा कोई नेता। शहीद की मां और पत्नी ने कहा, सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री आकर करें बात, नहीं तो शहीद का नहीं होगा अंतिम संस्कार। दंतेवाड़ा में जख्मी जवानों से मिलने पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, रायपुर अस्पताल में भर्ती है जवान। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत पाक सीमा पर तनाव, इस बार होली में बीएसएफ की तरह से नहीं दी जाएगी मिठाई। पंजाब गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक में जीरो लाइन पर भारत और पाकिस्तान के तकनीकी अधिकारियों की मीटिंग। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश रोशन गुप्ता साथी के साथ गिरफ्तार। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में सगाई के दौरान हर्ष फायरिंग में चली गोली, दिल्ली में जहर खुरान गैंग का सरगना गिरफ्तार, ई रिक्शा ड्राइवर को बनाता था निशाना। पानीपत में स्कूल बस की सीट पर रखे लकड़ी का तख्ता खिसकने से नीचे गिरा बच्चा, कुचल गया 5 साल का कार्तिक। हादसे पर भड़का लोगों का गुस्सा, बस में की तोड़फोड़। फतेहाबाद में जज की गाड़ी का ट्रैफिक पुलिस ने किया चालान, ड्राइवर ने नॉन पार्किंग में खड़ी की थी गाड़ी। इंदौर में एक होटल से गिरी महिला अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही है जांच। यूपी के मुजफ्फरनगर में जहरीली शराब की फैक्ट्री पर छापा, 8 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के भिंड में 5 हत्याओं का गुनाहगार अंकुर दीक्षित को फांसी की सजा, 13 मई 2016 की वारदात। महाराष्ट्र के बुलडाणा में पारधी समाज के लोगों में खूनी संघर्ष, 1 की मौत, 8 जख्मी। देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।